हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा सर के बारे में। गोविंदा सर और आदित्य पंचोली सर के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कितनी मूवीज़ है और आदित्य पंचोली सर की गोविंदा सर के बारे में क्या राय है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, गोविंदा सर और आदित्य पंचोली सर ने टोटल 5 फिल्म में एक साथ काम किया है अब तक देखे तो फ्रेंड्स, और आदित्य पंचोली सर ने गोविंदा सर के बारे में क्या कहा है एक इंटरव्यू में, बहुत ही बड़ी बात कह दी है इंटरव्यू में। ओके, तो इस इंटरव्यू का एक छोटी सी क्लिप आपको मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। एक ही आदमी है पूरी दुनिया में नहीं तो आपकी इंडस्ट्री में जिसके सामने मैं प्रिपेयर्ड होकर जाता था, वो है गोविंदा। मैंने सभी के साथ काम किया है, बहुत काम किया है, पर एक ही एक्टर के सामने मैं प्रिपेयर होके जाता था, रोज रात को सोता नहीं था, वो है गोविंदा, क्योंकि वो हर शॉट में कुछ अलग करते थे। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने इस इंटरव्यू का जो क्लिप है वो देखी, तो आदित्य सर का खुद का कहना है कि गोविंदा सर के साथ जब भी फिल्म्स की कोई एक्टिंग रहती थी या फिर कोई परफॉर्मेंस रहता था तो वो खुद प्रिपेयर होके जाते थे, क्योंकि गोविंदा सर हर शॉट में कुछ अलग अंदाज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका मानना है गोविंदा सर एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है ये तो सभी जानते हैं। रात रात भर आदित्य पंचोली सोते नहीं थे, एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहते, क्योंकि गोविंदा सर के साथ परफॉर्मेंस करना हो तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए वो प्रिपेयर होके जाते थे, खुद आदित्य सर ने एक इंटरव्यू के क्लिप में कहा है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है, और आपको आदित्य पंचोली और गोविंदा सर के बारे में कुछ 5 फिल्म्स है वो कौन सी है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। हाँ तो फर्स्ट फिल्म जो आई थी वो है महासंग्राम, जो 1990 में आई थी। इसके बाद आई तकदीर का तमाशा, जो 1990 में आई। इसके बाद जो फिल्म आई वो है मुकाबला, जो 1993 में आई। इसके बाद जो फिल्म आई वो है गैम्बलर फिल्म 1995 में आई। इसके बाद अगर देखें तो जोरदार फिल्म आई जो 1996 में आई। तो कुछ ये है 5 फिल्म्स आदित्य पंचोली और गोविंदा सर की एक साथ। ओके, तो इनमें से आपको कौन सी फिल्म पसंद है ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएगा कोई भी एक नेम, और आदित्य पंचोली और गोविंदा सर की जोड़ी आपको कैसी लगी फिल्मों में ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही गोविंदा सर के बारे में इंटरेस्टिंग न्यूज़ में इस वीडियो में इस चैनल में लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जरूर से सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। Now